तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग अपने लैपटॉप पे कॉल्स कैसे रिसीव कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप लोग अपना लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं तभी आपके फोन पे कोई कॉल आ जाता है, तो आपको क्या करना होता है, लैपटॉप साइड में रख के फोन से कॉल पिकअप करना होता है। लेकिन अब आप लोग डायरेक्टली जो कॉल आपके फोन पे आएगा उसको डायरेक्टली अपने लैपटॉप पे देख सकते हो किसका कॉल है एंड डायरेक्ट यही से आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे फोन में जितनी भी कॉल्स आई हैं आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। यहाँ से कॉल ही नहीं बल्कि आप लोग यहां से नंबर भी डायल कर सकते हो, मैसेजेस रीड कर सकते हो अपने फोन के, नोटिफिकेशंस रीड कर सकते हो एंड कुछ यहां पे अपने फोन की फोटोज भी एक्सेस कर सकते हो अपने लैपटॉप से ही। देन यहां पे आप लोग कुछ कॉन्टेक्ट भी अपने फोन के एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली अपने लैपटॉप से। एंड जब भी आपके फोन पे कॉल आएगी तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन शो होएगा आपके लैपटॉप पे एंड यहाँ से आप लोग इसको मैसेज कर सकते हैं या फिर डिक्लाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग डायरेक्टली यहीं से आंसर भी कर सकते हैं। तो आंसर करने के लिए बस इस पे आपको क्लिक करना है एंड आप लोग देखेंगे मेरे फोन में कॉल यहाँ पे पिकअप हो चुकी है। यहाँ से क्लिक करके आप लोग इसको कट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं या फिर अपनी कॉल को इस बटन का यूज करके फोन पे वापस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है, मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अपने फोन को अपने लैपटॉप या फिर पीसी से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। वैसे तो ये एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट आपके लैपटॉप में इंस्टॉल मिल जाएगी, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है विंडोज वाले ऑप्शन पे एंड ये जो फीचर है परफेक्टली विंडोज 10 में भी वर्क करता है एंड विंडोज 11 में भी वर्क करता है। तो अपने लैपटॉप में विंडोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एप्स खोल लेना। आपको जाना है ऑल एप्स पे एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है बिल्कुल, तो बिल्कुल लास्ट में आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा योर फोन के नेम से, इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको ये नोटिफिकेशन शो करेगा यूज योर एंड्रॉइड फोन फ्रॉम योर पीसी, तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आप लोग पहुंच जाओगे। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं पहुंचते पेयर डिवाइसेस तक तो पहले साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो जस्ट आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का यूज करके जो अकाउंट आपने लैपटॉप में लॉग इन करा है सेम अकाउंट से यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑन योर एंड्रॉइड फोन गो टू www.aki.ms/yourpc, आपको जाना है प्ले स्टोर पे एंड वहां से आपको डाउनलोड करना है योर फोन कंपेनियन का एक एप्लीकेशन, ये वाला एप्लीकेशन। तो सिंपली अपने फोन में आप लोग प्ले स्टोर ओपन करना एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है योर फोन कंपेनियन, ये वाला एप्लीकेशन सबसे ऊपर आ जाएगा, देख सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे ऑप्शन शो होएगा आपके फोन के ऊपर, लिंक योर फोन एंड पीसी, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन देगा इज द QR कोड ऑन योर पीसी रेडी, देख सकते हैं हमारे पीसी पर अभी कोई भी QR कोड नहीं दिखा रहा है। तो अब आपको लैपटॉप में यहाँ पे इसको चेक मार्क कर देना है एंड यहाँ पे पेयर विद QR कोड कर देना है, तो यहाँ पे आपको एक QR कोड शो हो जाएगा। QR कोड अपीयर होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद आपको अपने फोन पे क्लिक करना है इस देयर QR कोड ऑन योर पीसी, इस पे टैप कर देना है कंटिन्यू एंड इस QR कोड को आपको स्कैन कर लेना है। फिर आपको फोन पे एक नोटिफिकेशन दिखेगा प्लीज क्लोज द QR कोड ऑन योर पीसी, तो सिंपली हमें डन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप लोग फोन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है इनपुट द कोड शोन ऑन पीसी, लेकिन पीसी पे देखेंगे लैपटॉप पे कोई भी यहाँ पे कोड नहीं दिखा रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है पेयर मैन्युअली पे एंड क्रिएट अ पिन कोड। तो अब आप लोग देखेंगे आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे कोड शो हो रहा होगा एंड उसको सिंपली अब आपको अपने फोन में एंटर कर देना है डन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डन करने पे जो कोड है गलत बता रहा है, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट आपको इस ऐप को क्लोज कर देना है एंड दोबारा उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है यहाँ पे जाके। बस ये दिक्कत ना पिन एंटर करते वक्त ही आएगी और बाकी प्रोसेस स्मूथली है एंड आपको क्लिक करते रहना गेट स्टार्टेड पे, ये भी कर देना पेयर मैन्युअली पे आपको जैसे मैंने बताया था क्लिक करना है क्रिएट अ पिन कोड एंड अब न्यू पिन जनरेट हो गया एंड सिंपली इसको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंड अब आप लोग देखेंगे जो आपका लैपटॉप है सक्सेसफुली आपके फोन के साथ पेयर हो चुका है। फोन पे आपके एक नोटिफिकेशन आ जाएगा चेक योर कंप्यूटर एंड देन फोन पे आपको एक डन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। देन कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा आपके फोन पे एंड सेटिंग्स में आप लोग जाके देखेंगे लिंक्ड कंप्यूटर में, तो आपने जिस लैपटॉप पे कनेक्ट करा है उस लैपटॉप का यहाँ पे नेम दिखेगा एंड अब इसको रख देते हैं साइड में एंड आप लोग लैपटॉप देखेंगे तो लिखा रहा है फिनिश थिंग्स अप ऑन योर फोन, तो ये बेसिकली सिंक कर रहा है आपके फोन में जो भी टेक्स्ट है, कॉन्टेक्ट है, कॉल्स आ रखी है अभी तक, तो उन सभी को आप अपने लैपटॉप से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज आ गया यू आर ऑल सेट कंटिन्यू
गेट स्टार्टेड यस एंड इसको कर देना स्किप, आई विल सेट अप लेटर। अब देखेंगे हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, आपका फोन आपके लैपटॉप के साथ सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। एंड अब आप लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे देखेंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, तो यहाँ पे मेरे फोन का नेम शो कर रहा है, फोन की बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा रहा है कनेक्टेड, मतलब आपका फोन सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है आपके लैपटॉप के साथ। बस इस वक्त देख सकते हैं मैसेजेस में कुछ भी शो नहीं हो रहा, नोटिफिकेशन में भी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो आपका लैपटॉप है सिंक हो रहा है आपके फोन के साथ। कॉन्टैक्ट देख सकते हैं यहाँ पे अपीयर होने लग गए हैं, मेरे फोन में जो भी कॉन्टैक्ट थे यहाँ पे आ चुके हैं। तो बेसिकली जो ये एप्लीकेशन है आपके फोन का ब्लूटूथ यूज करके एंड लैपटॉप का ब्लूटूथ यूज करके एक दूसरे को सिंक में रखता है। एंड गाइस हो सकता है कि आपके लैपटॉप स्क्रीन पे कुछ ऐसा नोटिफिकेशन भी आ जाए कि वी नीड योर फोन परमिशन टू सिंक नोटिफिकेशन, तो इसके लिए सिंपली आपको अपने फोन में योर कंपेनियन वाला एप्लीकेशन है इसको ओपन करना है। ओपन नहीं, बेसिकली इसको टैप एंड होल्ड करके रखना है, फिर क्लिक करना है आपको ऐप इन्फो में, यहाँ पे आप लोग को इसके जो परमिशन है ना ये सारे अलाउ कर देने हैं। तो मैंने भी यहाँ पे सारे परमिशन अलाउ करे हुए हैं, जब भी आपके फोन पे कॉल वगैरह आएगी देन डायरेक्टली आपके पीसी या फिर लैपटॉप पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो अभी मेरा डिवाइस यहाँ पे ऑफलाइन दिखा रहा है, अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गया, एंड जैसे ही मेरे फोन पे कॉल आती है अपने आप कॉल ट्रांसफर हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं मेरे फोन पे कॉल आई एंड यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीसी पे नोटिफिकेशन आ गया कि कॉल आ रखी है फोन पे। तो आप लोग यहाँ से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया सब कुछ सेटअप हो चुका है। फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैसेज एंड फोटोज वगैरह शो नहीं हो रही है, लेकिन वो भी शो होने लग जाएगी। कॉल को यहाँ से कट भी कर सकते हैं एंड यहाँ से आप लोग नंबर डायल भी कर सकते हैं, डायल करके भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं डायलिंग। तो मेरे को ये एप्लीकेशन काफी ज्यादा बढ़िया लगी, काफी ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करना एंड चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।